Hello everyone, welcome to our channel. Today let me start exercise 2.2, question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 be 888. Find the multiples. विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को कंसेक्टिव इंटीजर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से हमें कंसेक्टिव जो नंबर्स होते हैं पता चलते थे. ऐसे मैंने आप लोगों को समझाया था स्टूडेंट्स, x, x+1 and x+2. इस प्रकार से मैंने समझाया था, ये हमारे 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स नंबर्स होते हैं जो लगातार 1, 1 उसमें हम क्या करते हैं, प्लस. जैसे कि मैं सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझाऊ, जैसे मैंने 2 राइट्स किया, 3 राइट्स किया एंड 4 राइट्स किया. देखिए 2 में मैंने कितना प्लस किया स्टूडेंट्स, 1, एंड 3 में भी हम कितना प्लस करेंगे, 1. तो उस प्रकार से हम और डिजिट में 1, 1 प्लस कर रहे हैं, इस प्रकार से हमारा कंसेक्टिव इंटीजर्स बन रहा है. लेकिन इसमें आप लोगों को मल्टीपल्स के फॉर्म में बोला है, मल्टीपल्स ऑफ 8, जो 8 का मल्टीपल्स होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 1 लिखा हुआ है, उसकी जगह 8 राइट होगा, क्योंकि ये 8 का क्या है, मल्टीपल्स है, मतलब 8 के टेबल में ही आना चाहिए. जैसे x, x+8 और x+16, जैसे 8 के टेबल में 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16. तो इस प्रकार से हमारे 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 के नंबर्स इस प्रकार से बनेंगे. ठीक है, हम राइट करेंगे, सॉल्यूशंस. ठीक है, लेट द नंबर बी. ठीक है, कौन कौन से नंबर होंगे हमारे, x, x+8 and x+16. इस प्रकार से हमारे 8 के मल्टीपल्स नंबर्स बन जाएंगे. उसके बाद उन्होंने कहा है सम. मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट, सम जो होता है इसका मीनिंग होता है एडिशन, मतलब ऐड करना होता है. ठीक है, ठीक है, ऐड करना है. और भी उसका फिर उसके बाद कितना मिल रहा है आपको, 888. तो 3 के 3 जो कंसेक्टिव इंटीजर्स है उसको ऐड करेंगे हम लोग, x+8 + x+16. ठीक है, और कितना दिया गया आपको, 888. ठीक है, अब x देख ली, प्लस कर लीजिए x और x, तो आपका स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे 8 और 16, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24 = 888. नाउ 3x = 888 - 24, सो 3x = 8 - 4 we get 4, 8 - 2 we get 6, and 8 में से 0 तो फिर 8 ही आएगा आपका. अब हमें क्या करना होगा, देखिए ये जो x है ये प्लस के पोजीशन में नहीं, ये मल्टीपल के पोजीशन में है. मैंने आपको समझाया था, जब आपको मल्टीपल के पोजीशन में दिया हो मल्टीप्लाई के, तो अब इसको आप डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हो, तो x = 864 / 3 x = अब यहां देखिए 8 के 3 के टेबल में 8 आता है नहीं स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स में आता है आपका 6, फिर 2 उधर गया आपका, तो कितना हो गया, 26. 3 के टेबल में 26 तो आएगा नहीं, 24 आएगा 8 टाइम्स में, अगेन टाइम 2 बचा, 2 उधर गया तो 24, 3 के टेबल में 24 आपके 8 टाइम्स में आता है. दैट मीन्स x की जो वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी 288. चलिए अब हमें क्या करना है, जो 3 के 3 हमने मल्टीपल्स ऑफ 8 के निकाले हैं उसकी वैल्यूज रख देनी है. फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है, जिसको हमने क्या सपोज किया था, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 288. अब हमें निकालना है सेकंड का, सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ 8,
ठीक है। सेकंड आपका है एक्स प्लस एट, तो हम राइट करेंगे एक्स की जगह पे 288, देयर आफ्टर प्लस एट, एट एट 16 की 6, 1 कैरी 9 एंड 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें लास्ट नंबर्स भी निकालना है, थर्ड मल्टीपल्स ऑफ 8, जो आप लोगों ने क्या सपोज किया यहाँ पे एक्स प्लस 16, एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 288 और एक्स की और 16 की जगह पे 16, चलिए प्लस कर देंगे 6 एंड 6 और 8 कितना हो गया स्टूडेंट सबका 14, 14 की 4, 1 कैरी, 1 एंड 1 2, 2 8, 10, 10 की 0, 1 कैरी, ठीक है कितना आ गया आपका 304। इस प्रकार से आपके 3 के 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 के नंबर्स फाइंड हो चुके हैं।